कौन नहीं जानता है, समाजवादी पार्टी के मुखिया तो सरदेव बाबूजी के दिवंगत होने पर तो एक भी शब्द उनके मुंह से नहीं निकला, श्रद्धांजलि देने के लिए जाने की बात तो दूर, एक शब्द नहीं निकला। और वहीं प्रदेश का एक दुर्दांत माफिया मरा था तो फातिया पढ़ने के लिए उसके गांव तक चले गए थे। क्या यही पीडीए है? क्या यही पीडीए है? इस सकल हिंदू समाज के लिए जिनका जीवन समर्पित था, ऐसे सरदेव बाबूजी के दिवंगत होने पर श्रद्धांजलि देने की बात तो दूर, श्रद्धांजलि देने की बात तो दूर, एक शब्द उनके मुंह से संवेदना के लिए नहीं निकले। सरकार से नहीं बात करते, राजू भैया से बोल करके संवेदना व्यक्त कर सकते थे, क्योंकि सरदेव बाबूजी तो राज्यपाल भी थे, दो दो राज्यों के राज्यपाल रह चुके थे, प्रदेश के दो दो बार मुख्यमंत्री रह चुके थे, प्रदेश में मंत्री रह चुके थे, 10 बार विधायक रह चुके थे, 2 बार सांसद रह चुके थे, लेकिन एक भी शब्द नहीं निकला। और सैकड़ों हिंदुओं की खून से जिसके हाथ रंगे हुए थे, ऐसे दुर्दांत माफिया के मरने पर ऐसे मातम मना रहे थे जैसे इनका कोई सगा चला गया हो। बहनों और भाइयों, ये पीडीए का वास्तविक चरित्र है, और इसका वास्तविक चरित्र देखना है तो अयोध्या में एक निषाद बालिका के साथ जो घटना घटित हुई, कन्नौज में जो घटना घटित हुई, लखनऊ में जो कुछ घटित हुआ, ये यही इनका वास्तविक चरित्र है, यही इनका चेहरा है, यही इनका चेहरा है। ये लोग बोलेंगे क्या, करेंगे क्या, और दिखेगा क्या, इसमें जब तक हम फर्क महसूस नहीं करेंगे और जब तक इसका एकजुट होकर के मुकाबला नहीं करेंगे, ये लोग प्रदेश की जनता को ऐसे ही बेवकूफ बनाते रहेंगे, ऐसे ही छलते रहेंगे। आज आवश्यकता है हम इनकी वास्तविकता को समझें। आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है, जो लोग आपको बांटने का काम कर रहे हैं, इनके चेहरे अलग हैं, इनकी चाल अलग है, इनका चरित्र अलग है,